देखो 3rd of June को निक का बर्थडे आ रहा है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि बर्थडे पार्टी के अंदर की दाढ़ी वापस नहीं आई ना, तो यार मैं इतना बेवकूफ लगने वाला हूँ ना। क्या है ये? कितने रुपए फूका है तूने बिल में? देख कितने का है ये, 100 रुपए का। भाई साहब 100 रुपए का ये घटिया सा। हेलो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कम ऑन यू, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। भाई 2 महीने बाद में आज जाके हम लोगों को व्लॉग बनाने का टाइम मिल रहा है। टाइम मतलब 2 महीने हम लोग कहाँ गायब थे भाई। 2-3 मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 1 is personal, 1 is professional। उस प्रोजेक्ट के बारे में अभी हम लोग आप लोगों को नहीं बता सकते। मोस्ट प्रोबेबली दिवाली के आसपास में जब इनॉग्रेशन करेंगे तब आप लोगों को उस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, अभी तो काम चल रहा है। बट एनीवेज बहुत सारे चेंजेस हो गए। सबसे पहले तो भाई की दाढ़ी जो है वो गलती से काट ली यार, और अब चेहरा इतना मोटा लग रहा है ना। हाँ एवरीवन, कितना मोटा लग रहा है। बहुत पता नहीं यार, बैठे बैठे एकदम से आया कि दाढ़ी काटनी है और दाढ़ी काट ली, और उसके बाद में इतना रिग्रेट हुआ है ना जिसका मैं मतलब जिसके बारे में मैं बता नहीं सकता। और अभी भी उसका निक का बर्थडे भी आ रहा है 3 तारीख को, 3rd of June को निक का बर्थडे आ रहा है, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि बर्थडे पार्टी के अंदर की दाढ़ी वापस नहीं आई ना, तो यार मैं इतना बेवकूफ लगने वाला हूँ ना। तो अभी देखो लेटेस्ट अपडेट तो ये है कि नीतू और निक जो है वो दोनों दिल्ली में है, अपने ननियाल गया हुआ है। नेक्स्ट गया तो ये बदमाश भी था, बट इस बदमाश ने वंशु के साथ में लड़ाई कर ली, उसका चश्मा भी तोड़ दिया। तो उसने तोड़ा तो विक्की मामा की शादी में तब थी, वो तो बदला लिया था क्या तूने? दैट इज बैड बेटा, वो तेरे से बड़े हैं और बड़े भाई को मारते नहीं है। दूसरी बार क्या करा? हाँ वो तो ठीक है, तूने चश्मा तोड़ा तो वो तेरा मुंह तो पकड़ेगा ही ना। बट एनीवेज इन बच्चों की लड़ाई के चक्कर में मुझे लगा कि बड़ों की लड़ाई हो जाएगी, और क्योंकि लड़ इस तरह से रहते हैं और सुनने को कोई रेडी नहीं है। ना विवान सुनने को रेडी था और ना वंशु सुनने को रेडी था। बट फिर मैंने क्या करा, मैं वापसी में जब दिल्ली ड्रॉप करके वापस आ रहा था तो मैं विवान को अपने साथ लेके आ गया। मैं गया था नागौर और सीकर, और मैंने सोचा था विवान को लेके जाऊंगा, बट भाई 43 डिग्री है यहाँ पे टेम्परेचर, 42-43 डिग्री, और अभी तो मई मिड चल रहा है, जून में तो पता ही नहीं क्या होने वाला है। बेड लगाओ आप अपनी, ठीक है। वहाँ बहुत ज्यादा धूप थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी, तो मैं इसको विवान को नहीं लेके गया था। लेकिन वापसी के अंदर मैंने जब आ रहा था तो मैंने विवान को बोला था कि भाई तेरे को ना स्पोर्ट्स का कुछ सामान या कुछ दिलाऊंगा। तो फिर विवान बोलता है कि पहले पापा मेरे को ना क्रिकेट बैट, अरे विवान बोलता है कि पापा मेरे को ना क्रिकेट बैट और बॉल दिला दो अभी इसके, और साइकिल की लाइट। लेट्स सी साइकिल की लाइट वहाँ मिलती है तो दिलाऊंगा, नहीं तो नहीं दिलाऊंगा, ठीक है ना। सो वी हैव रीच द कैथलॉन। विवान ने ना लिस्ट बना ली है, देख जो लेने आए ना सिर्फ वो लेंगे, ऐसे नहीं 4-5 चीजें और उठा ली तूने, ठीक है ना, वो मंजूर नहीं है मेरे को। डन है ना? किसमें? ट्रैम्पोलिन में बेटा, बहुत गर्म होगा ये, अभी धूप में पड़ा हुआ है ना, तो उसके लोहे का हाथ लगा 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 लगा, अरे लगा ना, मेरे को पता है घर पे जो कांच भी होता है ना, अरे एक बार हाथ तो लगा, पता लगेगा तेरे को। आगे आगे और भी है, क्या क्या लेना है वापस डिसाइड कर ले। एक तो साइकिल की लाइट, हाँ, और एक पीछे का विकेट लेना है। विकेट तो तेरे पास में ऑलरेडी है घर पे है, है यार, ऐसे मत बोल विवान, क्या बात कर रहा है। वो दादी ने सर फेंक दिए थे। अच्छा ये बैठ है ना, कर ले डिसाइड अब इसमें से, ये तो बड़ा है तेरे लिए, अपने साइज का ले, ये भी बड़ा है। हाँ ये ठीक है, ये भी ठीक है, चल सही है। अच्छा थैंक यू, चलो बैट आप उठाओ।
कौन सी टीम है तेरी फिर? हाँ? तेरी टीम कौन सी है फिर? अभी जब खेलेंगे। हाँ। शाम को बोलेंगे। सो नवाब साहब, ऑल ओके, ऑल सेट, मजा आया शॉपिंग करके? अब आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि पापा आप प्रॉमिस करते हो और पूरा नहीं करते हैं? दिल्ली में रहता तो मजा आता है या यहाँ आके मेरे साथ ज्यादा मजा आ रहा है? यहाँ मजा आ रहा है। इस पे मत बोल कि 4-5 घंटे टीवी देखता हूँ, तेरी मम्मी देखेगी ना तो आके तेरी सुताई करेगी। लो भाई घर आ गए, अब विवान सिंह राठौड़ क्रिकेट खेलेंगे, सचिन तेंदुलकर छक्के चौके मारेंगे। अबे धीरे, इतना ऊपर क्यों कर रहा है? चल शॉट, और ये 4 रन, और ये बहुत ही अच्छा डिफेंस करते हुए, और ये बहुत ही शानदार ऑफ ड्राइव मारते हुए। अबे वन टेप आउट नहीं है यहाँ पे, समझ आई ना? चल आ जा। और ये विवान का नया बैट, इससे बनाएगा ये पहली सेंचुरी। सो फाइनली भैया तेरी शॉपिंग हो गई है ना? एक चीज बची है। अब क्या बच गई यार? अरे लाइट, साइकिल की लाइट भूल गए। सब याद है। तेरी फेवरेट तो मम्मी है ना, तो मम्मी को बोल। कब बोला? तूने बोला गाड़ी पे बोला। तूने बोला कि पापा मेरी फेवरेट तो मम्मी है। मैं गाड़ी में बोला था ना। फेवरेट मम्मी से ले ले तू। नहीं, आप मैंने गाड़ी में बोला था। क्या कि फेवरेट आपको? हाँ। है? हाँ। मैं फेवरेट हूँ। हाँ। मम्मी नहीं है। मैंने गाड़ी में बोला था, याद करो। चल ठीक है, याद नहीं कर रहा। चल ठीक है, हाँ देख ले, मम्मी भी बोल रही है कि जब से आया विवान मम्मी को याद ही नहीं कर रहा है। चलो भाई करते हैं आज का व्लॉग यही खत्म, क्योंकि मेरे को आ रही है नींद। तो मिलते हैं फन फैक्ट्री वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, खमागणी। हटा दो, चलेंगे यार जिस दिन छुट्टी उस दिन चलेंगे, ठीक है ना? अगले सैटरडे देखते हैं, लेट्स सी।